दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि किस पाप की क्या सजा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री या पुरुष से संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है और जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नर्क की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है, तथा जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, जो लोग जीते जी दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर यमराज द्वारा तमिश्रम नामक नर्क में फेंका जाता है और यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया है, उन्हें कालसूत्रम नर्क में फेंका जाता है। इस नर्क में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक कि उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। शास्त्रों में किए गए पुयोत्कम नामक नर्क के वर्णन के अनुसार यह नर्क एक प्रकार का कुआ होता है जो मानव मलमूत्र, रक्त और अन्य घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो विवाह किए बिना दूसरी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार देव यानी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद गंतव्य स्थान तक जाने के लिए वैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी मानव मल मूत्र, मरे हुए कीड़ों, हड्डियों, रक्त और मांस से भरी होती है। कहा जाता है जिन लोगों के पाप अतुलनीय हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, दूसरों का दमन किया हो, उन्हें मरने के बाद इसी नदी के घटकों पर रहना पड़ता है। दोस्तों, मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं, लेकिन व्याभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा ही पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं वो पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उसी समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है वो पाप जिनको करने पर मृत्यु के उपरांत बड़ी से बड़ी सजा मिलती है। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।